मुखिया ठाकुर जी को तरफ से उदल रोल को कदर करते हुए बाबा जी आपको मौज कटाने के लिए दिए 50 रुपया। शाबाश, ताली ताली। 51 रुपये का पुरस्कार देते हैं। मैं दिलीप जी को और मुखिया ठाकुर जी को, मैं दोनों को रंगमंच सोने हुजूर का नमस्कार करता हूँ। हे मैया दुर्गा हो बेटा यमर रहेगा दिलीप जी बोला, सुभाष फल भंडार जिसका प्रोप्राइटर है सीता सरसा सम्राट चौक सीताराम जी को तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार है। हे मैया दुर्गा हे उनको बबुआ के काया अमर रखना मा नहीं दिया है, ये चूड़ी पहनने के लिए दिए हैं। उनको तरफ से शानदार 51 रुपये का पुरस्कार है। मैं मेला प्रभारी जी को मैं नमस्कार करता हूं। हो उनको बबुआ के काया अमर रखनाया, हो बेटा अमर रहेगा हमारे देवर जी को बहुत लाज क्यों हो रहे हैं। कहते चूड़ी पहनने के लिए देते हैं, कोई साड़ी पहनने के लिए देते हैं, उसको बहुत शर्म आते हैं। आगा श्रीमान जीतल महतो उर्फ सचिव साहब जी को तरफ से उदल रोल को कदर करते हुए शानदार 101 रुपये का पुरस्कार देते हैं। देवर जी
चोली पहनने के लिए दिए हैं बलाव के लिए। जैसे हनुमान भरतलाल से कहते हैं कि होती नाराती आरते निरंतर कुंडगा पाती। मैं उन जीतल महतो जी को हो उनको बेटा के विद्या रहेगा भक्तू आगा। श्रीमान मेला अध्यक्ष विनोद महतो जी उदल रोल को कदर करते हुए, देवर जी विनोद महतो जी आपको ठोर में लगाने के लिए भी लिपस्टिक के पैसा दिया है, मेला में खरीद लीजिएगा पगली और लिपस्टिक लगा के शिव मंदिर में बैठिएगा। एक तो तुम बनाइए का कहते हैं, आप लोग शांति बनाकर बैठिए। आगा श्रीमान विनोद महतो जी को तरफ से हे मैया दुर्गा हो बेटा या मरा रहेगा मोटा की गोला मैं जा रही हूँ अपने भैया सुभाष चंद से लड़ने के लिए। हे जाति आव सोना राना भूमि में जया भैया से जचू तुम्हारे सामने में कौन खड़ा है? कौन हो? पैर चे देगा। अरे पहले तो आंखें खोलो। मैं सिरसा निवासी वीर मलखा सिंह आ गया है। अरे मलखा सिंह को विषय में सुना था बड़े बड़े मोछ वाले होंगे, परंतु तू तो नहीं मोछिया है रे मलखा। सुभाषचंद अपने भाई को बराती में बीवी मोच छिला के आया हूँ। अच्छा आने लोकनिया बनकर के आया हूँ। लोकनिया बनकर ये देखो, पहले देखो बात बने मेरा मुंडी काट के इसमें टंगना। क्या संग्राम करना पड़ेगा? संग्राम नहीं तो क्या? देखो मलखा सिंह, देश वीराना है मुल्क वीराना, खरनिया की आती भेद प्राण बचाना चाहते हो तो सुवा इंद्र के शस्त्र के सामने से चला जा, न तो सारे हम यकार तुम को मंदिर में निकालेंगे। रे फिर तुम जाएगा रोते
लकड़ी के तरह, मैं अभी चीर के रख दूंगी सूखे लकड़ी के तरह। अच्छा, इतना चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ऐसे फरफराते हो डंका बजाकर, आज एक एक अंग काटूंगा खंजर उठाकर। से बहन सोना के लिए गगनपुर से बना कर लाया हूं, परंतु यह कगन कैसे आया समर में, कैसे आया, कैसे देता। अगर ये पहले मैं जानता तो यह दिन देखने के लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने देता। सोईनी घर में नमक चटा करके तुमको प्राण खींच लेता। खैर कोई बात नहीं, देख सोना अपने हाथों से मुझे हत्या कर, परंतु संभल के
जब मेरा गर्दन उतारना तो एक बूंद रक्त धरती पे नहीं गिरना चाहिए। अगर एक बूंद धरती पे रक्त गिरा तो 100 सुबह इंद्र जन्म लेगा। ओ सुबह इंद्र ये नहीं सोचेगा कि ये नगिनिया मेरी बहन है। बोटी बोटी काट करके ओ 100 सुबानी के घर से तुम्हारी मंदिर में सोना तत्ती नाम से बलि प्रदान करूंगी। ले सोना, विलंब न कर, नहीं तो शैतान जाग जाएगा। नहीं पहचाने हो ही जाता नाता पूरा है जाता है ता नया नाए गाता जाता जब तो है ते बड़ा जी गाता नया समीरा अरन
तन मुख धरहु का उधीरा। दोस्तों मेरी कंपनी का खेल यहां से समाप्त है। आज के दिन, आज की रात्रि, कल के दिन आने की आठ से लेकर 12 तक यही पार्टी आपको सेवा के लिए आभारी।